लोकसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी और विपक्ष की राह कितनी मुश्किल है वो मैं आपको कुछ मिसालों के साथ पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, कल जब अमित शाह अपना भाषण दे रहे थे तब देखिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बर्ताव किस तरह से था, देखिए वो क्या हरकत कर रहे थे। यहां पर जेपी नड्डा शेम शेम भी नहीं बोल रहे हैं, कोई नारा भी नहीं लगा रहे हैं, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कल्पना कीजिए इसी तरह की हरकत राहुल गांधी ने की होगी। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। मैं नहीं भूला हूं राहुल गांधी ने अपना भाषण देने के बाद, आज से कई सालों पहले भाषण देने के बाद महज इस तरह से अपनी पलक झपकी थी, याद है आपको। इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा नेताओं से लेकर मीडिया सभी लोगों ने सीधे हमला बोला था राहुल गांधी पर, उन्हें अश्लील होने तक का आरोप लगाया था। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस भी नहीं दिया था, मगर स्मृति ईरानी से लेकर पूरा मीडिया यह चला रहा था कि राहुल गांधी ने भाजपा की महिला नेताओं को फ्लाइंग किस दिया। आपकी स्क्रीन पर रमेश बिधुड़ी, ये एक और सांसद दानिश अली के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे, इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा जब ये उन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तो देखिए पीछे किस तरह से हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, सम्मानित सभ्य भाजपा के सांसद, हंस रहे थे। मैं ये मिसाल आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं, क्योंकि जब जेपी नड्डा ओ करते हैं, जब रमेश बिधुड़ी जो हैं अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी मीडिया चैनल उस पर सवाल नहीं उठाता। जब बृजभूषण शरण सिंह, हमारी महिला पहलवानों, हमारी आन बान शान के बारे में गलत चीजें करते हैं, जिसका जिक्र दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में है, तो कोई मीडिया उस पर सवाल नहीं उठाता। कोई मीडिया प्रधानमंत्री को कटघरे में नहीं रखता कि आप इसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर इस सब हो रहा था। जब एक मंत्री का बेटा किसानों को रौंद कर चले जाता है, सवाल भाजपा से नहीं होता, मगर सिर्फ एक पलक झपकने के लिए राहुल गांधी को अश्लील बता दिया जाता है। और अभी महज शुरुआत है। याद कीजिए कल जैसे ही 370 को लेकर अदालत का फैसला आया, सभी न्यूज चैनल्स में और अखबारों में किस तरह की कवरेज हुई है। दोस्तों, कल दो खबरें थी, एक तरफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का तय हो जाना, और उसमें भी मीडिया न्यूज चैनल्स ने धार्मिक एंगल ढूंढ लिया, उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढ लिया, और 370 को लेकर जिस तरह से विपक्ष को गाली दी गई है, विपक्ष को जिस तरह से निशाने पर लिया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुदा की तरह पेश किया गया है। मिसाल आपके सामने, दोनों मिसालें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर और 370 को लेकर। ये देखिए, विष्णु भी आए और मोहन भी आए, राजस्थान में कौन आएगा। फिर देखिए साहब, मोदी का बैक टू बैक सरप्राइज 2024 और चौंकाएगा। एमपी छत्तीसगढ़ का सीएम बनाने में नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा खेला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, महबूबा क्या बोली मौत की सजा। धारा 370 पर जीता भारत हारे विरोधी, यानी कि भारत के अंदर ही लोगों पर निशाना साधना। 370 को लेकर आपकी राय हो सकती है, मगर अगर धारा 370 को हटाए जाने का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप देश विरोधी कैसे हो सकते हैं, या आपकी राय हो सकती है। आगे देखिए साहब, बीजेपी ने 23 नहीं 2024 जिताने वाला सीएम बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत को समझना नामुमकिन है। कहा था ना 370 भूल जाओ, 370 वाला नासूर, नेहरू का कसूर। 370 पर मोदी सही थे, तुष्टिकरण की हार, कश्मीर की जीत, कश्मीर पर कांग्रेस की 370 गलतियां। उसी तरह से अगर आप अखबारों की सुर्खियों को देखें, ये देखिए दैनिक जागरण, 7 दशक का दंश खत्म, एकीकरण का बल देने वाला फैसला, सत्य एवं सुलह आयोग बनाने की जरूरत, जम्मू कश्मीर के पास नहीं थी कोई संप्रभुता, छोटे छोटे कदमों से कश्मीरियत के करीब पहुंचे मोदी। इसी तरह से आप देख सकते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, अमित शाह के बयान को तरजीह दी जा रही है, और अमर उजाला आखिर 370 से
पूरी आजादी। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि 370 के बहाने भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग मीडिया ने अभी से शुरू कर दी है और उनका मकसद साफ है, सरकार की बड़ाई करो मगर विपक्ष पर निशाना साधो, उन्हें खलनायक के तौर पर पेश करो। कल अमित शाह ने इस पर भाषण दिया, एक बार फिर उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को याद किया, उन्हें पानी पी पी कर गालियां दी। और अमित शाह का अंदाजे बयां देखिए, उनके अंदाजे बयां में एक दंभ था, एक स्वैग था, अहंकार नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से विपक्ष को वो नसीहत दे रहे थे, सुनिए। मगर जब इतिहास सीध कर दे, समय सीध कर दे, ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए, अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। यही नहीं, जब मनोज झा अपनी बात रख रहे थे तो किस तरह से उन्हें बीच में रोका गया और फिर अमित शाह बोलने लग गए। मनोज झा सिर्फ यही कह रहे थे कि भाई इस वक्त सदन के अंदर कश्मीर से कोई सांसद नहीं है, तो अचानक अमित शाह उग्र हो गए, मनोज झा को चुप करा दिया गया और फिर अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि आपको बेशक परवाह नहीं हो कश्मीरियों की, मगर हमें परवाह है कश्मीरियों की। 370 हटाए जाने के बावजूद कश्मीर के अंदर डीएसपी मारे जा रहे हैं, कर्नल मारे जा रहे हैं, मेजर मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को फिर से पलायन करना पड़ा। ये ना भूलें कुछ दिनों पहले श्रीनगर के स्कूलों में, कश्मीर के स्कूलों में काम करने वाले हिंदू टीचर्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सब हो रहा है ना, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल उठना जरूरी है। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि आम कश्मीरी को अब सुकून से रहना चाहिए, उसका अधिकार है कि वो सुकून से रहे, अपनी रोजी रोटी कमाए, नौकरी करे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक नया अध्याय पलटें, एक नया पन्ना पलटें और आगे बढ़ें। इतिहास की कड़वाहट से हमें आगे बढ़ना होगा, यह मेरा हमेशा से मानना रहा। अगर मैं वापस इस मुद्दे पर आऊं दोस्तों, एक तरफ आप देख रहे हैं 370 के बहाने किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है और यह है राहुल गांधी की बहुत बड़ी चुनौती। और यह ना भूलें 22 जनवरी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, आप कल्पना कर सकते हैं ये मीडिया जो 370 पर इस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहा है, जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब क्या होगा? और राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, उस वक्त भगवान राम फोकस नहीं होंगे, उस वक्त फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, बस और कुछ नहीं। यह हकीकत है और उसके अलावा कुछ नहीं। और तब सोचिएगा दोस्तों विपक्ष किस तरह से साफ होने वाला है। 2018 में कम से कम कांग्रेस 3 राज्यों के चुनाव जीती थी, उसके बाद पुलवामा हो जाता और मीडिया प्रोपेगेंडा चला देता। पुलवामा तक भाजपा की हालत कमजोर थी, मगर जैसे ही पुलवामा होता है सत्ता से सही सवाल पूछने के बजाय भाजपा का महिमा मंडन शुरू हो जाता है। कोई मीडिया न्यूज चैनल इस वक्त यह नहीं पूछ रहा था कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, हमारे 40 जवान कैसे शहीद हो गए, इंटेलिजेंस वार्निंग्स को हमने क्यों नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त भी प्रचार तंत्र ने पूरे खेला को पलट दिया, जिस मुद्दे पर मोदी सरकार कटघरे में होनी चाहिए वो उसकी ताकत बन गई, यानी पुलवामा बालाकोट, और अब भी मीडिया वही कर रहा है। अभी 370, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? राम मंदिर। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 3 राज्यों में हार का सामना पड़ा है कांग्रेस को, क्या इन 3 राज्यों में अब तक हार को लेकर कांग्रेस ने कोई आत्ममंथन की बैठक की है? मध्य प्रदेश में जिन 2 नेताओं की वजह से हार का सामना करना पड़ा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? उल्टा कमलनाथ के जो करीबी हैं वो लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए कमलनाथ जी की वजह से हम छिंदवाड़ा लोकसभा के अंदर सभी विधानसभा सीटें जीत गए। जो सत्ता आपको परात में मिल रही थी वो आपके हाथ से छीन ली गई, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से नदारद हो गए थे, पिछले कुछ दिनों से आप पार्टी आलाकमान की नहीं सुन रहे थे,
आपने चुनावी कैंपेनिंग कम कर दी थी, ये मैं नहीं कहूंगा बंद कर दी थी। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान एक दिन में 12-12 रैलियां कर रहे थे, आप सब जानते हैं कमलनाथ कितनी रैलियां कर रहे थे। ये सब आपको रहस्यमय नहीं लगता क्या? इस मुद्दे को लेकर कटघरे में नहीं रखा जाना चाहिए कमलनाथ को? क्या किया कांग्रेस ने बताइए? भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी को 160 सीटें मिली, मगर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया बताइए? मोहन यादव को। मगर यहां कांग्रेस जो है अपने उन पार्टी के नेताओं को कटघरे में नहीं रख पा रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक इंडिया गठबंधन से जुड़े जो बाकी नेता हैं उनसे मंत्रणाएं की? क्योंकि ममता बैनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, इन सब की अपनी आपत्तियां हो रही हैं, सामने आ रही हैं। क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नेताओं से बात की? जो दूरियां, जो खटास पैदा हो रहा है उसे संबोधित किया? कितना वक्त रह गया हम चुनावों में? अभी हम दिसंबर में हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। अप्रैल से शायद पहला या दूसरा चरण शुरू भी हो जाएगा, कहने को मुश्किल से 3 महीने बचे हैं दोस्तों। चलिए 4 महीने मान लीजिए अगर आप दिसंबर को शामिल करना चाहते हैं। मगर कांग्रेस की क्या तैयारी है बताइए? सबसे बड़ी बात, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने इंचार्ज को, यानी कि अलग अलग राज्य किसकी जिम्मेदारी है यह तक तय नहीं किया। मुझे बताइए कांग्रेस के अंदर महाराष्ट्र राज्य किसकी जिम्मेदारी है? किसी नेता की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के साथ क्या किसी तरह की सीट शेयरिंग होगी? क्या उनसे कुछ बातचीत होगी? ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और एनसीपी आपके साथ हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार आपके साथ हैं, किस तरह की मंत्रणाएं चल रही हैं? मगर दूसरी तरफ भाजपा जो एक चुनावी मशीन है, पहले से ही एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, पैसे का इस्तेमाल कर रही है, उसका प्रचार तंत्र और मीडिया क्या कर रहा है उसकी अभी अभी मैंने आपके सामने मिसाल पेश की। मगर कांग्रेस, मैं आपसे बार बार कहता हूं, मुकाबला बराबरी का नहीं है। भाजपा ने ईवीएम नहीं, सिस्टम ही हैक कर दिया है। चुनाव आयोग उनके हिसाब से चलता है, इसीलिए विपक्ष को और गंभीर रहना पड़ेगा। आप इस देश की जनता के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि बतौर विपक्ष आपको एक बेहतर विकल्प देना चाहिए इस देश की जनता को, जो आप अभी तक नहीं दे रहे। आप अपने पार्टी के नेताओं को उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में क्यों हार हुई? सचिन पायलट ने सहयोग क्यों नहीं दिया? क्या इस मुद्दे को लेकर किसी तरह की कोई मंत्रणा हो रही है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए या नहीं पूछे जाने चाहिए? सबसे पहले कांग्रेस और विपक्ष को समझना पड़ेगा कि भाजपा दरअसल जीतती क्यों है। कई लोग ये कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करती है। यकीनन भाजपा ने पिछले 10 सालों में अपने प्रचार तंत्र के जरिए बहुत बखूबी, बहुत सफलतापूर्वक एक बहुत बड़े तबके में ये चीज जो है उनकी नसों में भर दिया है कि अगर हम सत्ता से चले गए तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सफलता सिर्फ हिंदुत्व नहीं है। किस तरह से वो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन तमाम समुदायों, इकाइयों, इन सबको जिस तरह से बांध रही है। छत्तीसगढ़ में अगर एक आदिवासी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो महज इत्तेफाक नहीं है, इसमें भाजपा की सोच काम कर रही है। उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में यादव पृष्ठभूमि का एक व्यक्ति सीएम बनाया जाता है तो भाजपा का जो निशाना है वो जातीय जनगणना है। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते, ये तीन चेहरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, लगातार जातीय जनगणना पर उग्र तेवर अपना रहे हैं। इसीलिए मोहन यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। इस तरह से भाजपा काम कर रही है। फिर 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज पहुंचाना, ये भी भाजपा के हाथ एक बहुत बड़ा हथियार है। और यही वजह है कि बहुत बड़ा तबका, जो गरीबों का तबका है,
वो अब भी भाजपा के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। हर योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इससे पहले भी सरकारें जो हैं वो मनरेगा करती रही हैं, गरीबों को फायदा पहुंचाती रही हैं, कर्ज माफी करती रही हैं, मगर फर्क क्या है इस बार? फर्क यह है कि हर योजना में प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। आप हर पेट्रोल पंप में जाइए, वहां प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे। इसके पीछे की राजनीतिक सोच है, यही वजह है कि वोट्स का डायरेक्ट ट्रांसफर जो है वो प्रधानमंत्री को होता है, सिर्फ भाजपा को नहीं होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी राज्यों में कांग्रेस की मौजूदगी है, मगर बूथ तक यानी कि चुनावी ईवीएम तक अपने समर्थकों को ले जाना, बूथ मैनेजमेंट करना, क्या कांग्रेस का कोई भी मुकाबला है भाजपा के साथ? भाजपा का अपना कार्यकर्ता है ही, साथ ही आरएसएस की मदद मिलती है उसे, यानी कि बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई जवाब नहीं। बूथ मैनेजमेंट को लेकर आखिर कांग्रेस के पास क्या जवाब है? क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है? किस तरह की नीतियों के अंतर्गत वो काम कर रही है ताकि उसके समर्थक बूथ तक पहुंचे और उनके पक्ष में वोट डालें? ये तमाम मुद्दे हैं। क्या कभी भी कांग्रेस में इस बात को लेकर गंभीर मंथन हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो ईश्वर ही आपको बचाए 2024 में, और इसीलिए आने वाला वक्त जो है वो विपक्ष के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।